घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। सीख रहे हैं और रागों पे आ चुके हैं। शुरुआत का जो कोर्स था 10 पेज के अलंकार 10 थाटों में और 12 स्केल से आपने बजा लिया। प्रत्येक स्केल समझ में आ गया, प्रत्येक थाट आपके समझ में आ गया, सब कुछ आपको पता चल चुका है। उसके बाद अब आपने रागें सीखना शुरू की हैं। तो रागें सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बात है वो अपने को समझने की है कि राग का विस्तार। सबसे पहले राग को सोचो कि इस राग में क्या क्या लिखा हुआ है, उसका जो आरोह, अवरोह और पकड़, इन 3 लाइनों से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये राग कैसे आगे मूव करेगी, उसका चलन क्या है। और अगर तुम्हें पूरा चलन नहीं समझ में आया हो आरोह अवरोह पकड़ से, तो सरगम गीत देख लीजिए या उसकी बंदिश में जिस तरह से स्वरों का लगाव है, जो क्रम है, उसको महसूस कर लीजिए कि इस राग में इस तरह से स्वर लगते हैं। अब उन स्वरों को लेकर के आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा उसकी आलापचारी पर ध्यान देना है। उसी से राग का स्वरूप और विस्तार सब कुछ खिल करके सामने जब आ जाता है। आपने जब राग को वर्णन कर दिया, पूरा डिटेल में बता दिया कि मंत्र में ये ऐसे चलेगी, तार में ऐसे चलेगी, मध्य में ये गति होगी, किस तरह के स्वरों का लगाव होगा, कौन कौन सी स्वर संगतियां होंगी, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। और ये जान करके उसको खूब अच्छी तरह से अपने अंदर आत्मसात करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको ये समझना होगा, साहित्य को उठा के अगर देखें, शास्त्र में देखें, राग के बारे में क्या क्या लिखा है। स्वरांगिनी इतना डिटेल में नहीं बता रही है राग के स्वरूप को, जो उसमें खास खास बातें होती हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं। स्वरांगिनी प्रैक्टिकल पर आधारित बुक है, उसमें शास्त्र की संख्या कम है। तो शास्त्र पढ़ने के लिए आपको और भी कई पुस्तकों का सहारा लेना होगा, जिसमें एक राग परिचय के नाम से किताब आती है। राग परिचय पुस्तक का टाइटल है, उसके कई भाग हैं। राग परिचय Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 ऐसे। तो जब कभी दुकान पर जाएं और संगीत की किताब और आपको समझने की जरूरत है, तो स्वरांगिनी के अलावा आप राग परिचय को उठा के देखें, तो उसमें प्रत्येक राग के भाव, रस, छंद, अलंकार, जो उसका साहित्यिक पक्ष है, वो भी जानने की आवश्यकता है। अभी तो आप लोग राग का जो प्रैक्टिकल विषय है उस पर हम ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल सीख लेंगे, उसी के साथ साथ आपको शास्त्र को जानने की भी जरूरत है। और राग का शास्त्र क्या कहता है, राग परिचय है, राग माला है, कई प्रकार की किताबें रागों पर वर्णन की गई, नाट्य शास्त्र है पूरे, अगर आप खरीदें तो किताबों का ढेर लगा हुआ है संगीत से संबंधित, बड़े बड़े ग्रंथ मार्केट में उपलब्ध हैं। आप उनको ले आइए और उनका मनन कीजिए, उनको अध्ययन कीजिए। जब तक आप उनकी पढ़ाई नहीं करेंगे, साहित्य को जब तक नहीं समझेंगे कि साहित्य का संगीत से किस प्रकार से संबंध है, 9 रस होते हैं, 9 रसों रागों में विद्यमान है। वैसे देखा जाए तो राग शब्द का मतलब प्रेम है, अनुराग, प्रेम, जुड़ाव, और वैराग्य वो राग से दूर है, वो बेराग है, उसमें किसी प्रकार का कहीं किसी से कोई लगाव, कोई जुड़ाव इस तरह का नहीं होता है। तो राग मतलब जुड़ाव, तो आपको जुड़ना है उन शब्दों से, जुड़ना है जो उस राग में गाए जा रहे हैं, उन स्वरों को आत्मसात करना है जो आपके सामने हैं, राग में वर्णन किए गए हैं। तो जब हम राग के भाव को
राग में कौन सा रस है, कौन से उसमें गुण और अवगुण है, वो सब हम जब जान करके गायकी करेंगे तो गायकी में उसका प्रभाव अपने आप से नजर आएगा। जैसे हम कहते हैं कि जब कोई हम गाना गाते हैं और हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता, आप मान लीजिए नॉर्थ साइड के हैं और अचानक आपको साउथ की भाषा का कोई गाना दे दिया जाए मलयालम का कि आप गाइए, स्वर तो आप लगा देंगे लेकिन उनके शब्दों का क्या मीनिंग है जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वो टच नहीं दे पाएंगे आपको। वो वाला टच देने के लिए उस मलयालम साहित्य को समझना होगा। इसी तरह से हिंदी के गीतों को गाने के लिए हिंदी साहित्य का व्याकरण आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसमें जब रस है तो रस को कैसे प्रयोग किया जाता है। वीर रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है, कई 9 प्रकार के रस। तो उन सभी रसों के भाव और उनके शब्दों में जो प्रयोग किया जा रहा है वो कहाँ पे यूज आ रहा है। अगर आपको एक गीत दिया जा रहा है और वो श्रृंगार रस का है तो आपको श्रृंगार रस के बारे में पता होना चाहिए कि रोमांटिक मूड का हो जाता है। अब श्रृंगार में भी 2 प्रकार के श्रृंगार हैं, संयोग और वियोग। संयोग मतलब मिलन वाला एक गीत होगा, एक गीत ऐसा होगा जो बिछड़ने वाला गीत हो सकता है, दर्द भरा। तो दोनों ही चीजों को समझ करके आपको यह तय करना होगा कि किस रस वाली राग को हम इस गाने में प्रयोग करें। भक्ति से संबंधित कुछ पद होते हैं उनमें हम कौन सी राग का प्रयोग करें जिसमें भक्ति रस प्रधान होता हो, ऐसी रागों को हमको जानना है। तो ये सब बातें हम किताबों के माध्यम से जान सकते हैं, गुरुओं से चर्चा करके समझ सकते हैं। आपने नहीं पढ़ा तो हमने पढ़ा होगा, हमसे पूछ सकते हैं कि ये वाला गीत है तो इस गीत को अगर हम कंपोज करेंगे या धुन बनाएंगे इसके शब्द के आधार पर कौन सा राग बैठता है और कौन सी ताल। तालों में भी ये प्रकार होते हैं, तालों के ठेके उस तरह से बनाए जा सकते हैं जो मूल ठेका है उसको तोड़ करके किसी दूसरे रूप में भी उसको बजाया जा सकता है, है ना। जैसे सीधा सीधा कहरवा है, धागे न तीन अक धिन न धागे न तीन अक धिन न धागे न तीन अक धिन। अब धिन न धिन धिना तीन न तीन तिना धिन न धिन देना, ये भी कहरवाई है लेकिन भजन जब आता है तो भजन के लिए ये ठेका का निर्माण हो चुका है कि भजन ताल में कहते हैं, इसको भजन ताल नाम रख दिया जबकि वो कहरवा का ठेका है, है ना। इसी तरह से त्रिताल है, धा दिन धिन धा दिन धिन धा धा। अब इसको रूप बिगाड़ करके या इसके स्वरूप को बदल करके बजाया तो धा धी कधा धा धी कधा ता धा, ये बदल दिया गीत की कंपोजिशन के अनुसार। कि जैसे कोई घूमते हुए चलते हुए आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ताल को स्वरूप को बदला जा सकता है। घोड़े की चाल को दिखाना है तो ताल बदली जा सकती है। नदी में नाव चल रही है उस समय किस तरह से हिलोरे आएंगे तो वो म्यूजिक उस तरह से बनेगा, उसमें वही राग का प्रयोग होगा, उसमें उसी तरह की ताल का प्रयोग होगा जिसके अंदाज से, जिसके वादन से या गायन से ये लग जाना चाहिए कि ये वाला सीन इस पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट सूट कर रहा है। तो ये सब बातें जानने के लिए राग के शास्त्र को पढ़ना होगा, समझना होगा और उसको अपने अंदर उतारना होगा, तभी वो आप प्रयोग कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आपको बताई हैं, इस पर ध्यान देना आगे चल करके रागों को सीखते सीखते और रागों का पूरा वर्णन पूरी जानकारी शास्त्र के अनुसार जरूर लें तो आप कंपोजिशन करने में सफल होंगे। जय हो।